بسم الله الرحمن الرحيم. एक्सरसाइज 9.6, जिसमें बेसिकली हम दो तरह के इक्वेशंस की बात करेंगे. एक तो हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस और उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड, और सेकेंडली बर्नौली इक्वेशन. तो बेसिकली जो लीनियर इक्वेशन होती है वो बर्नौली इक्वेशन का स्पेशल केस होती है. अब लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट टर्म में, dy by dx plus p of x into y, y is dependent variable equal to q of x. अब ये p of x, q of x ये just as notation है. इसका मतलब ये है कि y का coefficient some function of x होना चाहिए. इसी तरह जो right side है जिसके साथ कोई dependent variable नहीं आ रहा, ये भी function of x हो. जिस तरह यहाँ mention किया हुआ है where p and q are functions of x. तो जब इक्वेशन इस फॉर्म में हो, मींस के लीनियर इक्वेशन हो, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा यही होगा. अब आपको 9.5 में जिस तरह हमने फोर रूल्स देखे थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के, यहाँ पर वो जज करने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लें 9.6 में, क्योंकि हमने जस्ट ये देखना है कि अगर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा. वो होगा क्या? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx, और p ऑफ x y का कोफिशिएंट है. ठीक है, जो y का कोफिशिएंट है इसको इंटीग्रेट करें और उसे e की पावर में रखते हैं, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जिससे आप गिवन इक्वेशन को या इक्वेशन वन जो आपको गिवन है इससे मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन वन को जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जस्ट जनरल फॉर्म में यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको. अगर म्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, आप इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं म्यू से ऑन बोथ साइड्स, तो म्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस म्यू पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू म्यू टाइम्स क्यू ऑफ एक्स. अब अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे तो ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल बन रहा है. अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है नेक्स्ट काम हमारा जस्ट इंटीग्रेट करने का होता है, लेकिन हम अपनी इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. वो कैसे? कि अगर आप इस लेफ्ट साइड को देखें तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल बनता है, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू जिसे हमने मल्टीप्लाई किया. इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लें, इसे बैक स्टेप जाके देखें. अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेती हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज वाई एज इट इज आ गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब जब म्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो म्यू क्या चीज है? ई की पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स. इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आ जाता है, और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, पावर का डेरिवेटिव जस्ट पी ऑफ एक्स बच जाएगा. तो मीन्स के म्यू इंटू पी ऑफ एक्स ये डेरिवेटिव आ जाता है म्यू का. अब जब आपने लेफ्ट साइड को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया, इस स्टेप के बाद आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स करें ताकि यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करने में कोई मसला ना हो. अब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रल चूंकि एंटी फंक्शंस हैं वो कट हो जाएंगे. लेफ्ट साइड वेरी सिंपल, राइट साइड पे छोटी सी इंटीग्रेशन होगी तो वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो लीनियर इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इस तरीके से लेते हैं. अगर इक्वेशन सबसे पहले तो चेक करना होगा कि इक्वेशन लीनियर है कि नहीं. अगर लीनियर है तो आपने 9.5 वाला काम नहीं करना जो हम फोर रूल्स चेक करते थे. तो जस्ट आपने क्या करना है, y का जो कोफिशेंट है इसका इंटीग्रल e की पावर में रख देना, यही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा. अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे और लेफ्ट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और ये हमेशा प्रोडक्ट रूल बनता होगा डिपेंडेंट फंक्शन y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का. इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद, इसका प्रोडक्ट रूल को बंद करने के बाद आपने इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करनी है, ताकि हमारे इंटीग्रेशन और सॉल्यूशन फाइंड करना ये सब कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत कम से कम स्टेप पे और टाइमली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए.
तो ये तो जस्ट मेथड हुआ लीनियर इक्वेशन का, कि किस तरह हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम बर्नौली इक्वेशन की बात करते हैं।